वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो भारत के कोहिनूर हीरे से कम नहीं बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से फेमस हुए। उनकी जो बांसुरी वादक है, बांसुरी वादन है, वो पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर है। तो आइए उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन और उनका जो करियर ग्राफ रहा उन सब के बारे में। बिस्मिल्लाह खान जी ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में अपनी सहनाई की मधुर धुन के साथ आज़ादी का स्वागत किया था, और तब से स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का सहनाई वादन एक परंपरा बन गई है। यही नहीं, बिस्मिल्लाह खान जी की संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो उनके बारे में आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ वो 21 मार्च 1916 डुमराव बिहार में। इनका पूरा नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और इनके पिता का नाम पैगंबर खां, और स्कूल की जो पढ़ाई हुई इनकी ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन से। और इनको पुरस्कार और उपाधि की बात की जाए तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, तानसेन पुरस्कार और रोस्टम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई 21 अगस्त 2006 को। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से बिस्मिल्लाह खान जी 21 मार्च 1916 के दिन बिहार के डुमराव गांव में जन्मे। बचपन में उनका नाम कमरुद्दीन था, लेकिन बाद में उनके दादा रसूल बख्श का नाम बिस्मिल्लाह रख दिया, और जिनका मतलब था अच्छी शुरुआत। बिस्मिल्लाह जी का परिवार संगीत के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था। उनका परिवार उनकी पिछली 5 पीढ़ियों से सहनाई वादन का प्रतिवादक रहा है। वहीं उनके पूर्वज बिहार के भोजपुर रजवाड़े में दरबारी संगीतकार भी थे। महज 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने पिता पैगंबर खान के साथ बनारस आ गए। वहां उन्होंने अपने चाचा अली बख्श विलायतों से सहनाई बजाना सीखा, और उस्ताद जो थे उनके चाचा काशी विश्वनाथ मंदिर में सहनाई वादन का काम करते थे। वहीं उनके पिता भी डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में सहनाई वादक थे। इसलिए बिस्मिल्लाह जी के बारे में यह कहा जा सकता है कि उस्ताद को सहनाई वादन की कला अपने परिवार से विरासत में मिली थी, क्योंकि शुरू से ही उनके परिवार के लोग दरबारी राग बजाने में उस्ताद थे। और महान सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के ने महज 14 साल की छोटी सी उम्र में अपने पहली बार इलाहाबाद के संगीत परिषद में सहनाई बजाने का कार्यक्रम किया, जिसके बाद बेहद कम समय में उन्होंने अपनी सहनाई बजाने की अलौकिक प्रतिभा को निखारा और सर्वश्रेष्ठ सहनाई वादक के रूप में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां के बजरी झूला चैती जैसी प्रतिष्ठित लोक धुनों में बाजे को अपनी कठोर तपस्या के बल पर सहनाई वादन को संवारा, और क्लासिकल मौसिकी में सहनाई को संगीत की दुनिया में सम्मानजनक स्थान दिलवाई। वहीं जिस जमाने में बिस्मिल्लाह खां जी सहनाई वादक के रूप में खुद को उभार रहे थे, उस दौर में संगीतकारों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। उनके परिवार का शुरू से ही संगीत से जुड़ा रहना उनकी सहनाई वादन में दिलचस्पी की जैसे ही उन्होंने न सिर्फ खुद को एक प्रसिद्ध सहनाई वादक के रूप में स्थापित किया, बल्कि सहनाई को भी संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान दिलवाई। वहीं बिस्मिल्लाह खान जी के संगीत बजाने की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए शांति निकेतन और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में देश की आज़ादी के पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने अपनी मर्मस्पर्शी सहनाई बजाकर भारत की आज़ादी का स्वागत किया। तभी से वहां से लेकर हर साल 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्लाह खान का सहनाई वादन परंपरा बन गई है। दोस्तों, दुनिया के महान सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी ने कई फिल्मों में भी अपना संगीत देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। बिस्मिल्लाह खान जी ने कन्नड़ फिल्म सनादी अपत्रा में राजकुमार के किरदार के लिए भी सहनाई बजाई थी, और 1959 में फिल्म गूंज उठी सहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान ने अपनी सहनाई की धुन दी थी। साल 1994 में मेट्रो
मेस्ट्रो चॉइस में भी बिस्मिल्ला खान ने अपनी शहनाई की धुन दी थी। 1994 में मेघ मल्हार बोल में भी बिस्मिल्ला खान ने अपनी शहनाई बजाई थी। 2000 में बिस्मिल्ला खान जी ने क्वीन एलिजाबेथ हॉल में लाइव शो देकर हजारों दर्शकों को अपनी मधुर शहनाई से मंत्रमुग्ध किया और 2000 में बिस्मिल्ला खान ने लंदन में लाइव परफॉर्मेंस बोल में भी अपनी शहनाई की धुन दी थी। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2001 में शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और दुनिया की शहनाई में को अलग पहचान दिलवाने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी को 1980 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया और दुनिया के महान बिस्मिल्ला खान को साल 1961 में भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया। संगीत के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान संगीत वादक बिस्मिल्ला खान को 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान को साल 1930 में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बेस्ट परफॉर्मर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 1947 में भारतीय आज़ादी की पहले शाम को लाल किले पर अपनी कला प्रदर्शन का अमूल्य अवसर भी मिला था। इसके साथ 26 जनवरी 1950 को भी उन्होंने भारतीय गणतंत्र दिवस की शाम को लाल किले पर राग पर काफ़ी प्रदर्शन किया था। उनकी प्रस्तुति उस समय भारतीय आज़ादी के जश्न का मुख्य भाग बन चुकी थी। हर साल 15 अगस्त को उनकी एक प्रस्तुति पर दूरदर्शन पर पुनर्प्रसारण भी किया जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री का लाइव भाषण हो जाने के बाद हर साल दूरदर्शन पर शहनाई वादन का कार्यक्रम आयोजित होता है और ये परंपरा जवाहरलाल नेहरू जी के दिनों से ही चलती आ रही है। संगीत की दुनिया में शहनाई को अलग पहचान दिलाने वाले बिस्मिल्ला खान सिर्फ शहनाई बजाने में उस्ताद थे बल्कि वे अपने दरिया दिली के भी लिए भी जाने जाते थे। वो शहनाई बजाकर संगीतकार के रूप में जो भी कमाते थे उससे या तो लोगों की मदद करते थे या फिर अपने बड़े परिवार के भरण पोषण में खर्च करते थे। वे अपने लिए कभी भी नहीं सोचते, हालाँकि उनकी इसी वजह से उनकी आर्थिक मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना पड़ा और उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में दिल्ली के इंडिया गेट पर शहनाई बजाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी न हो सकी। 21 अगस्त 2006 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिए। वही मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान के सम्मान में उनके इंतकाल के दौरान शहनाई भी दफन की गई और दूरदर्शन और आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून में भी बिस्मिल्ला खान की शहनाई की आवाज़ है। वही आज भी उनकी शहनाई की गूंज लोगों के कानों में गूंजती है। और इस तरह से मैंने जो बिस्मिल्ला खान जी के बारे में आपको जानकारी दी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।